हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के चैनल के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे मेरे एक सजेशन मानिए, एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और जो जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको रिमाइंड रहे और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, तभी ये आपको बेनिफिट देने वाली है वीडियो। सो मस्ट आप कॉपी रख लीजिए प्लस अपना एक पेन रख लीजिए, ताकि आपको ईजिली ये सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेवन बैंड वोकैबुलरी के बारे में, जिसके अंदर लाइन लाइन ग्राफ, टेबल, बार, मैप, पाई, प्रोसेस, इन छह टास्क वन की मैं बात करने जा रहा हूँ, इनकी वोकैब प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बेनिफिट देगी। तो लाइन, टेबल, बार एंड पाई की ये रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये वोकैब है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करना इसको ज़रूरी है, क्यों मैंडेटरी है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम रिपीटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे गिवन, प्रोवाइडेड एंड, अगर हम प्रोवाइडेड ही हर जगह यूज़ करते रहेंगे, लाइक परसेंटेज हम कई बार यूज़ करते हैं अपने पाई ग्राफ के अंदर या फिर हम कहें अपने लाइन ग्राफ के अंदर, बट अगर हम परसेंटेज ही बार बार यूज़ करेंगे वो रिपीटेटिव में काउंट हो जाएगा और जो आपका डिक्रीज़ कर देगा बैंड। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी वोकैब यूज़ करनी है अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहली वोकैब है गिवन। गिवन को हम और क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड लिख सकते हैं या प्रेजेंटेड लिख सकते हैं। शो को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, रिवील्ड, डिपिक्टेड, इलुस्ट्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, ये भी लिख सकते हैं। ये प्लीज़ नोट बना लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको टास्क टू की भी देखनी है, टास्क टू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, जिसके अंदर 80 वर्ड्स मैंने प्रोवाइड किए थे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन, वेरिएशन को हम क्या कह सकते हैं, जो लाइन ग्राफ में होता है उसको फ्लक्चुएटिंग लिख सकते हैं या ऑसिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अगेन लाइन ग्राफ में ये आने देखने को मिलता है हमें, लाइन या पाई के अंदर भी, तो लाइन ग्राफ के अंदर इंक्रीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, राइज टू गो अप। डिक्रीज़ को सिमिलरली लिख रहे हैं, डिक्लाइन, ड्रॉप, डिप टू गो डाउन। अप्रॉक्सीमेटली को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यानी रफली एस्टिमेट देते हैं, जब हम पाईग्राफ में काफ़ी यूज़ होता है, रफली, नियरली, अराउंड, अबाउट। ऑलमोस्ट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, देखो भी ऑलमोस्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर कोई चीज़ आपको दो टाइप का ऑफ पाई चार्ट दिया हुआ है, जो ये बेसिकली 2 ईयर्स के कंपैरिजन दिया हुआ है, तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है, तो हम ये ज़्यादातर यही लिखते हैं रिमेन कॉन्स्टेंट। हम उसको और कैसे अलग लिख सकते हैं, तो रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टैटिक, रिमेन एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई लार्ज चेंज आता है किसी भी ग्राफ के अंदर, लाइन चेंज आ रहा है अगर, तो उसको बिग चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, रैपिड, शार्प चेंज, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। सिमिलरली अगर स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज को हम कैसे कर सकते हैं, ग्रेजुअल चेंज, स्लाइट चेंज, ठीक है। अब ईयर्स को हम कैसे डोनेट करना है, हमें कैसे शो करना है, तो ईयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 99, फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम 1995 टू 2000। अगर हमें इसको और तरीके से लिखना है, बिटवीन 1995 एंड 2000, अगर आपको इसमें दिया हुआ है आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए या जैसे भी है। अगर अब आते हैं पैसेज में हमें कैसे लिखना है, जब हम पैराग्राफ फॉर्मेट करते हैं, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन में हम ऐसे लिख देंगे, बट हमें अपने पैराग्राफ में कैसे लिखना है, कैसे बताना है, इन दी फॉलोइंग ईयर 1995, अगर हमने कुछ बता दिया, जैसे कोई भी एग्जांपल, कुछ किसी भी पाईग्राफ का कुछ भी बताया, तो इन दी फॉलोइंग ईयर्स, कौन से ईयर में, 1995, बाय द ईयर 1995 भी लिख सकते हैं, इन दी ईयर 1995, अगेन अगर आप इन दी ईयर्स लिखेंगे तो ब्रैकेट में 1995 लिखिएगा, आपके हेल्प करेंगे बैंड इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं कौन से ईयर में कुछ चीज़ प्रोसेस हो रही है, तो उसको ड्यूरिंग द ईयर 1995 एंड थ्रू द पीरियड, मतलब थ्रू पीरियड, उस पीरियड के अंदर जो कि जो भी ईयर था, ओवर द पीरियड भी लिख सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस डायग्राम के ऊपर। प्रोसेस डायग्राम बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ का प्रोसेस बताया जाता है, लाइक टी बड़ा फेमस है टास्क वन, या फिर मैं कहूँ ऑरेंज जूस का है, ठीक है। इस तरह के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर स्टेजेस होते हैं और स्टेप्स होते हैं। इन दोनों का आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इन दोनों के डिफरेंसेस समझने होंगे, कैसे डोनेट करने हैं। मान लीजिए स्टेजेस हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, पहले स्टेज में इस तरह प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए एक प्रोसेस है जूस निकालने का, ठीक है, एक प्रोसेस को इस साइड से निकाला जा रहा है, क्रश करके निकाला जा रहा है, एक मिक्सर में या जूसर में करके निकाला जा रहा है, ठीक है। तो वो स्टेज हो गए, एक स्टेज में ऐसे निकल रही है, दूसरी स्टेज में ऐसे निकल रही है, तो स्टेजेस कैसे डोनेट करेंगे, उसको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्टली, फर्स्ट, फर्स्टली, इनिशियल, ठीक है। अगर वो सेकेंड स्टेज को कैसे करेंगे, सेकेंड, सेकेंडली। अब स्टेप्स पर आते हैं, स्टेप्स को कैसे करना है, स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि पहले उसने किया, जैसे मान लीजिए कलेक्ट दी ऑरेंजेस फ्रॉम दी गार्डन एंड देन,
ठीक है ऐसे आफ्टर डैट उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, आफ्टर आफ्टर डैट नेक्स्ट लेटर फॉलोइंग एंड जो लास्ट में जब लास्ट स्टेज रह जाती है उसे क्या कह सकते हैं, फाइनली या लास्टली। ओके अब ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई चीज़ करनी हो तो हम ड्यूरिंग करेंगे, मीन वाइल वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही बच्चों प्रोसेस की कुछ स्टेजेस एंड स्टेप्स डोनेट कैसे करते हैं। अब मैप की मैं बात करता हूँ, मैप की बात करें तो मैप के अंदर कुछ चीज़ें डेवलप्ड होती है, दो तरह के मैप दिए होते हैं, दो डिफरेंट ईयर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं चेंजेस हमें बेसिकली बताने होते हैं क्या क्या चेंजेस रहे हैं। तो मैप के अंदर रिमूव होती है, डेवलपमेंट होती है, एडिशन होती है, प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो इनकी वकैब क्या रहेगी, अगर रिमूव की जगह हम क्या लिख सकते हैं डिमोलिश्ड, पुल डाउन, नॉक डाउन, डेवलप्ड अगर कोई चीज़ डेवलप्ड हुई तो हम क्या लिख सकते हैं इनलार्ज, एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड, यानी कि वो बढ़ी है उस चीज़ को। मतलब मान लीजिए पहले क्या कहते हैं स्कूल छोटा था, मैप के अंदर स्कूल दिया हुआ है बट वो बड़ा हो गया, तो उसको हम डेवलप्ड नहीं लिखेंगे, डेवलप्ड लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अगर दो तीन चीज़ें डेवलप्ड हुई तो हम डेवलप्ड दो बार यूज़ तो नहीं करेंगे, तो उसे क्या लिखेंगे इनलार्ज, एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड। अगर कोई चीज़ एडिशन हुई है, कोई मैप है किसी पर्टिकुलर एरिया का, उसके अंदर पहले स्कूल नहीं था बट स्कूल उस एरिया में बन गया, तो उसको क्या करेंगे वो एडिशन में आ जाएगा, तो उसे क्या लिखेंगे न्यूली स्कूल बिल्ड, इंट्रोड्यूस्ड, एडेड, ड्यूट्रेटेड एंड प्लांटेड। प्लांटेड हमेशा ट्रीज के लिए होगा क्योंकि बच्चे कई बार मैंने देखा है नोटबुक चेक करते हुए ट्रीज प्लांटेड की जगह प्लांटेड हाउस लिख देते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। ओपन अप, ओपन अप हमेशा उस चीज़ के लिए होगा, कोई फैसिलिटी होगी, मान लीजिए हॉस्पिटल अगर हुआ है तो हम ये भी लिख सकते हैं न्यू हॉस्पिटल बिल्ड या कंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एडिशन की जगह कंस्ट्रक्टेड भी आ जाएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड भी लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टेड, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग राइटिंग गंदी होगी क्योंकि मैं कैमरे के अंदर से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर रिप्लेस्ड है, रिप्लेस्ड को हम क्या चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बेसिकली चेंज हुआ, ठीक है, चेंज लिख सकते हैं, रीडेवलपमेंट लिख सकते हैं, रेनोवेटेड लिख सकते हैं, मेड इनटू या कन्वर्ट इनटू भी लिख सकते हैं। तो ये थी बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप जो आप डिफरेंट यूज़ करके ईजिली 7+ भी बैंड ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 बैंड ही लेंगे बट आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको ऐसे और भी कंटेंट देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।